हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोगों के लिए ब्लोची स्टिच में ये नेक लाइन एम्ब्रॉयडरी तैयार की है, जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये मैंने कैसे बनाया है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो मिल सके। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ये मैंने पैटर्न तैयार किया है। ये मैंने खुद ही ट्रेस किया है और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने कैसे ट्रेस किया है, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि सब मैंने कैसे ये बनाना। इस डिजाइन को इस तरह ट्रेस किया है, ये ऐसे मैंने पहले ये लाइनें लगा ली है गुलाई में, फिर मैंने ये एक पत्ता काट के, तो ये देखें इस तरह रख के इसको ऐसे मैंने ट्रेस किया है। और ये जो गुलाई वाला है इसको मैंने यहाँ रख के ऐसे किया है, और ये जो मैंने इधर ऐसे किया है, मैंने इसको स्टिच लगा लिया है। ये मैं वूल के थ्रेड यूज कर रही हूँ और ये मैंने चार धागे डाले हैं और ये भी वूल का है। तो ये मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने कैसे इसको यहाँ पे स्टिच लगा के, ये बिल्कुल दरमियान में से हमने ऐसे करना है और छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं। ये देखिए इस तरह धागे को इस साइड पे रखना है, बस इस तरह इसको ऐसे, फिर इसी सुराख के अंदर से ऐसे डाल के इसमें ये छोटे छोटे स्टिच लगाने हैं। ये धागा हम इसको इधर रखेंगे इस तरह, बस इसी तरह ये हमने सारा ये बनाना है इस तरह। ये पूरी हमने ये डोरी इसी तरह बनानी है। अब इस डोरी को बनाने के बाद ये मैंने चेन स्टिच की है। यहाँ पे चेन स्टिच करने के बाद ये जो लाइनें हैं ये स्टेम स्टिच की बनाई है, और ये भी सेम इसी तरह ये वाली लाइन बनाई है। अब यहाँ पे लाइन लगेगी और ये कश्मीरी टांके से बनाया है, और इर्द गिर्द स्टेम स्टिच से इसका आउटलाइन बनाई है, और ये साटन स्टिच से ऐसे मैंने लाइनें लगाई हैं, और ये भी स्टेम साटन स्टिच से सीधी ऊपर नीचे से बराबर जो आता है वो है, और ये भी यहाँ पे भी ये सारी लाइनें जो है ना ये स्टेम स्टिच से बनाई गई हैं। और यहाँ पे हम ये कश्मीरी टांके से बनाया है, और यहाँ पे मिरर लगेंगे, यहाँ पे ये मिरर लगेंगे। यहाँ पे स्टेम स्टिच किया है इसको ऐसे इस तरह। ये देखिए ये धागा सीधा इधर से इधर ये लाइनें बनाने के बाद ये फिर ये इसको इधर ये सीधी इधर से इधर ऐसे नीडल निकाली यहां से ऐसे, और ये सीधी सीधी ऐसे लाइनें लगानी है, और इसकी ऐसे सीधी, और इसको सीधा यहां पे लाके इस तरह हमने ऐसे बनाना है। यहाँ पे इसके थोड़े से बड़े बड़े टांके हैं, इसी तरह स्टिच छोटे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं इस तरह इसको हम। और उसके बाद ये दो स्टिच लगाने के बाद हम यहाँ से थोड़े छोटे लेंगे, ताकि ये जगह चौड़ी है, यहाँ से हम छोटे छोटे ज़्यादा लेंगे और ये चौड़ी कम है, यहाँ पे कभी कभी हम एक स्टिच लंबा सा ले लेंगे। अभी यहाँ पे दो तीन स्टिच लेंगे, उसके बाद एक बड़ा इस तरह इसकी शेप बनेगी। ये वूल के थ्रेड हैं, मैंने ये लिया वूल का थ्रेड इसमें, और मैंने कुछ मैंने वो लिए गोले वाले थ्रेड लिए, जैसे ये है मेरे पास, और ये भी वूल है, तो मैंने ये यूज़ किए हैं। तो इसको ये इस तरह ये स्टैंड ये कश्मीरी टांके से हम इसको बनाएंगे, यानी रोमानियन स्टिच से ये पत्ती बन, इसी तरह हमने ये सारी बनानी है। ये देखें ये बनेगा सेम इस तरह, जैसे मैंने ये जो बनाई है इसी तरह बनाए हैं ये साटन स्टिच से। ये इस तरह बनाने के बाद हम इसको यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे
अब ये दूसरी लाइन शुरू हो जाएगी इधर। अब हम यहाँ पे हेयरिंग बोन स्टिच करेंगे, तो एक स्टिच ऐसे थोड़ा सा लंबा ले लेना और एक यहाँ से इस तरह लेंगे इस तरह, और यहाँ से इस तरह खड़ा ऐसे हमने स्टिच लेना है। इसी तरह हमें इसको ये पूरे दायरे को हमने ये कंप्लीट करना है। और उसके बाद बनाने के बाद हम इसको ये लेजी डेजी अंदर एक एक स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह हम लेजी डेजी का एक स्टिच एक एक लगा देंगे हर एक खाने के अंदर। यहाँ पे भी हम हेयरिंग बोन स्टिच करेंगे, ये अंदर वाली लाइन है, तो इसको भी हम यहाँ पे ये स्टिच करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे स्टेम स्टिच से इसकी आउटलाइन बनाएंगे, इसके ऊपर भी बनाएंगे और एक नीचे भी, दोनों तरफ हमने स्टेम स्टिच से लाइन बनानी है इस तरह। और अब हम यहाँ पे इसकी आउटलाइन बनाएंगे, ये जो हमने छोटी छोटी डब्बियाँ बनाई थी इसकी आउटलाइन बनेगी। और जिस तरह हमने ये और ये बनाया है इसकी आउटलाइन, इसी तरह हम इसका भी बनाएंगे। इसको दरमियान में हम क्रॉस कर देंगे इसका, और साइडों से ये आउटलाइन बन जाएगी। दो दफ़ा स्टिच लगा के तो इसका हम कवर करेंगे इस तरह इसको। इसी तरह हमने चारों तरफ इसके स्टिच लगाने हैं। और यहां से हम क्रॉस का एक और स्टिच यहां पे लगा देंगे ऐसे, और दरमियान में भी एक स्टिच लगाएंगे यहाँ पे इस तरह। तो ये है हमारा बनाने का तरीका। और ये देखिए हमारी एम्ब्रॉयडरी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने पूरा ये डिज़ाइन बना के तो ये आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।